हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बिल्कुल ही छोटे छोटे सेंटेंसेस करने वाले हैं। ओनली टू वर्ड्स के सेंटेंसेस हम इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि जब भी हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं बोल पाते हैं। इसलिए जब भी आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करें तो छोटे छोटे सेंटेंस ही बोलना शुरू करें। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा इंग्लिश बोलने का और आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और डेली ऐसे सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं, ओनली टू वर्ड्स के सेंटेंसेस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। अब किसी चीज़ को खोलने की बात की जाती है, उतारने की बात की जाती है, तो हम लगाते हैं टेक ऑफ। चप्पल खोल दो, टेक ऑफ द स्लीपर्स। अपनी शर्ट उतार दो, टेक ऑफ योर शर्ट। अपने जूते उतार दो, टेक ऑफ योर शूज। ठीक है, जब हम कहते हैं ये लो, टेक दिस। अपना बदला लो, टेक योर रिवेंज। लगे रहो, कीप इट अप। नोटबुक को बिस्तर पर रख दो, कीप द नोटबुक ऑन द बेड। दूरी बनाए रखो, कीप डिस्टेंस। शांति बनाए रखो, कीप योर कूल। नाचते रहो, कीप डांसिंग। शांत रहो, कीप साइलेंट। बकवास बंद करो, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। फुसफुसाना बंद करो, स्टॉप मुरमरिंग। कानाफूसी करना बंद करो, स्टॉप विस्परिंग। बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग। हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। मेरी बेइज्जती करना बंद करो, स्टॉप इंसल्टिंग मी। आपने देखा, एक वर्ड से हमने काफ़ी सेंटेंसेस बोले। ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंसेस आपने स्पीकिंग करनी है। जब भी आप किसी से बात करते हैं, किसी चीज़ को बंद करने के लिए कहते हैं, तो स्टॉप लगा के जो भी चीज़ आप बंद करने के लिए बोलते हैं वो लगा दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट। इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और जो सामने वाले के सामने आप अगर दो चार वर्ड भी इंग्लिश के बोलते हो तो आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश बोलने की शुरुआत की जाती है। अब डू होता है करना, आप डू से हम सेंटेंस बनाएंगे। अभी करो, डू इट राइट नाउ। अपना काम कर लो, डू योर वर्क। बर्तन धो लो, डू द डिशेज। कुछ करो, डू समथिंग। एक काम करो, डू वन थिंग। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे पहली बार विजिट आपने की है तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको कहीं और दूसरे चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसी चैनल पे इंग्लिश सीखने से रिलेटेड मैं सारे मटेरियल प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।